రైట్ పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ సమావేశానికి సంబంధించి పూర్తిగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लांट्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है।